गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है फिर से आप लोगों का आपके प्यारे YouTube RBC ऑनलाइन क्लासेस में। सभी का स्वागत करते हैं, खुशामदीद करते हैं, जय हो कहते हैं, मोस्ट वेलकम करते हैं। इस प्यारे से आपके और हमारे बीच में जो रिश्ता काफी लंबे टाइम से बना हुआ है, दुआ यही करते हैं कि ऐसे ही आप लोग हमारे साथ जुड़े रहो और आपके जितने भी छोटे भाई बहन हैं उनको भी बेटर इस RBC ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग जोड़ो ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। तो क्लासेस जो जो ये है वो चलती आ रही है, 10th के लिए, 11th की और 12th क्लास की भी आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लासेस, है ना। तो सो आप लोग जुड़े रहो बेटा जी, और जो भी डाउट्स हैं, जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, वो कन्फ्यूजन आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो ताकि हम लोगों को पता चल जाए कि आप लोगों को क्या चाहिए। और वैसे कॉमेंट मेरे पास में आ रहे हैं कि नोट्स वगैरह जो है वो डलवाएं, तो बेटा जी नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। टेलीग्राम पे आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, टेलीग्राम पर आप लोगों की जो हार्ड कॉपी आप लोगों को दिखाई दे रही है ना, ये जो आप लोगों को बताया हुआ था ये चीजें आप लोगों को वहां मिल जाएंगी। और इसके अलावा जो ऐप पर आप लोगों ने देखा होगा, जिसके पास में ऐप डाउनलोड नहीं है तो वो प्ले स्टोर पर जाकर के बेटा जी ऐप डाउनलोड कर लेना, और ऐप डाउनलोड करोगे तो वहां पे आप लोगों को PDF के तौर पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, है ना। और मेरे ख्याल से आप लोगों ने कर भी रखे होंगे। और बाकी कई कमेंट्स दे रहे हैं कि सर हमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताओ, तो वो भी बेटा जी आप लोगों को शुरुआत कर दी जाएगी, चिंता मत कीजिए आप लोग। जो मोस्ट क्वेश्चंस वगैरह हैं वो मोस्ट क्वेश्चंस भी आप लोगों को मैं एक PDF डाल करके वो दे दूंगा आप लोगों को, तो उसको भी आप लोग इस तरीके से तैयारी करते रहना, है ना। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं, प्रारंभ करते हैं। हम लोगों ने जहां तक क्लास को विराम दिया था उसके आगे लेकर के चलेंगे अपने मेरे प्यारे साथियों। तो चलिएगा, हमने पिछली वीडियो के अंदर बोरेक्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। बोरेक्स क्या होता है, बोरेक्स बीड क्या होती है, बोरेक्स बीड का यूज कहां किया जाता है, ये तमाम चीजें हम लोगों ने डिस्कस की हैं। और आज हम लोग बेटा जी डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, ऑर्थोबोरिक एसिड के बारे में अपने डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो आइएगा ऑर्थोबोरिक एसिड के बारे में अपने बात करते हैं कि ऑर्थोबोरिक एसिड का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड। तो पिछली क्लास में तुमने ऑर्थोबोरिक एसिड के बारे में बात पढ़ी कि ऑर्थोबोरिक एसिड जो है वो एक प्रकार का वीक एसिड है ना। वीक एसिड क्यों है प्रश्न पूछा जाता है, करेंगे अपने आज बात। और हमने शुरुआत की थी कहां तक, शुरुआत हम लोगों ने यहां से की थी फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड, H3BO3 का जो फॉर्मेशन है वो हम लोगों ने डिस्कस करना है मेरे प्यारे साथियों। तो बोरेक्स से हमने ऑर्थोबोरिक एसिड बनाना हम लोगों ने सीख लिया था कि किस प्रकार से ऑर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो बोरेक्स की रिएक्शन करवा दो आप लोग HCl के साथ में, साथ में वाटर मॉलिक्यूल भी ऐड कर दो आप लोग इसके अंदर, है ना। तो हम लोग किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, ऑर्थोबोरिक एसिड जो है वो हम लोगों का क्या होकर जाएगा, बन जाएगा, ठीक है बेटा। तो ऑर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है वो आप लोगों ने डिस्कस किया। इसके अलावा आगे चलते हैं बेटा जी, इसके अलावा दूसरा मेथड और पढ़ लेते हैं। दूसरा मेथड और देखो बेटा जी सामने, नंबर सेकंड मेथड वो चल रहा है आपका, फॉर्मेशन मेथड चल रहा है, ठीक है। हां जी आ जाओ, फ्रॉम बात करते हैं अपने बेटा जी वही बोरेक्स से ही, फॉर्म बोरेक्स। कल मैंने बोरेक्स के साथ में हमने HCl की रिएक्शन करवाई थी, है ना। आप लोग क्या करो, बोरेक्स को वाटर के साथ में हीट करो बेटा। जब वाटर के साथ में भी हीट करोगे तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, ऑर्थो बोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। हाँ जी, ऑर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। मिला दो इसमें वाटर, ये लीजिए वाटर के एलिमेंट बेटा जी, लेकर क्या गया 10H2O, है ना, 10H2O। तो इसमें क्या होगा, साइड प्रोडक्ट तो निकल जाएगा बेटा जी, NaOH जो भी निकलेगा, रिएक्शन बैलेंस कर लेना आप, साइड प्रोडक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड निकल जाएगा। और इसमें भी आप लोगों को किसका फॉर्मेशन हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ऑर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो दूसरे मेथड ये भी है कि बोरेक्स की रिएक्शन अगर आप लोग HCl के साथ करवाओ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ करवाओ, हीट करो, है ना, तो उसके साथ में भी अपने ऑर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं।
और मेरे प्यारे साथियों, अगर हम लोग रिएक्शन करवाएं किसकी, बोरेक्स की, अगर हम लोग वाटर मॉलिक्यूल के साथ अगर इसको अपने हीट करते हैं, है ना, तो हीट करने पर बोरेक्स से अपने क्या बना सकते हैं, ऑर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड हुए हमारे ऑर्थोबोरिक एसिड बनाने के। क्लियर है बात, ऑर्थो एसिड। अच्छा, अगली बात करते हैं, नो डाल के मैंने कल भी लिखवाया था, आज वापस फिर लिखवा रहा हूं मैं कि बेटा जी, जो ये ऑर्थोबोरिक एसिड है ना, ऑर्थोबोरिक एसिड जो है इज ए वीक एसिड, ये एक प्रकार का दुर्बल अम्ल है बेटा। वीक एसिड है। प्रश्न ये पूछा जाता है कि व्हाई, या व्हाट द मेन रीजन, या व्हाई ऑर्थोबोरिक एसिड इज ए वीक एसिड, क्या कारण है, या ऑर्थोबोरिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्यों, या क्या कारण है कि ऑर्थोबोरिक अम्ल जो है ये एक दुर्बल अम्ल होता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का बनता है जो काफी इंपोर्टेंट है। तो याद रखना मेरे प्यारे लाडुओ कि जो ये ऑर्थोबोरिक एसिड है, जिसको आप लोग H3BO3 लिखो, है ना, या फिर इसको आप लोग BOH3 लिखो, ये आसानी से बेटा जी H+ आयन को डोनेट नहीं करता, है ना। हाँ, आसानी से H+ आयन डोनेट नहीं करता, त्यागता नहीं, ना डोनेट नहीं करता। इट्स कांट इजिली डोनेट द H+ आयन, आसानी से इजिली H+ आयन डोनेट नहीं करता। ठीक है, अगर ये आसानी से H+ आयन डोनेट नहीं करेगा तो इसका मतलब ये है कि ये वीक एसिड होगा, और जो आसानी से H+ आयन डोनेट कर देते हैं, है ना, वो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अब ये आसानी से H+ आयन डोनेट नहीं करता तो फिर ये कब करता है? तो याद रखना बेटा जी, अगर आप ऑर्थोबोरिक एसिड की रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल से करवाना चाहो, ये लो मैंने वाटर मॉलिक्यूल लिखे हैं, कितने मोल, ये मोल लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो पहले ये क्या करता है, ऑर्थोबोरिक एसिड वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा ना, तो तुम्हें पता है ये पहले OH को गेन करेगा, क्या करेगा, OH को गेन करेगा, और जब ये OH को गेन करेगा तो बन जाएगा बेटा जी OH4-, और जब ये OH को गेन कर लेगा, गेन करने के बाद ये H+ आयन को डोनेट करता है, जो H+ आयन निकलेगा वो यहां से इस प्रकार से निकलेगा बेटा जी हाइड्रोनियम आयन के रूप में, इसका नाम क्या है, हाइड्रोनियम आयन, ये वाला, दिस इज द हाइड्रोनियम आयन। क्लियर है बात, जी हाँ, और इसका नाम हमारा है बेटा जी बोरॉन टेट्रा हाइड्रोक्साइड आयन। तो अगर तुम लोग लिखना चाहो तो क्या लिखोगे कि जो ऑर्थोबोरिक एसिड है ये एक वीक एसिड है, बिकॉज इट्स कांट इजिली डोनेट द H+ आयन बिफोर इट्स गेन द OH- आयन, आफ्टर दैट इट्स डोनेट द H+ आयन। पहले ये OH- आयन को गेन करता है, उसके बाद में H+ आयन को डोनेट करता है, इसका मतलब ये H+ आयन तब तक डोनेट नहीं करेगा जब तक ये OH के पहले गेन ना कर ले। तो याद रखना, पहले OH ये गेन करेगा आयन, और OH गेन करने के बाद में बेटा क्या करता है, H+ आयन को डोनेट करता है। तो लिखने के लिए बेटा जी लिख लोगे, क्या लिखोगे, ऑर्थोबोरिक एसिड इज ए वीक एसिड बिकॉज इट्स कांट बी easily donate the H+ आयन after react H2O its gain b
बिफोर इट्स गैर OH माइनस आयन एंड एट लास्ट इट्स डोनेट H प्लस आयन। देखो ये इतनी बातें लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक बार तो आप लोग समझ लो कि जो ये ऑर्थोबोरिक एसिड है ये आसानी से H प्लस आयन त्यागता नहीं है, आसानी से H प्लस आयन त्यागता नहीं, इसलिए ये एक दुर्बल अम्ल है। जब ये जल से क्रिया करता है तो जल से क्रिया करने के पश्चात ये पहले OH आयन को ग्रहण करता है और OH आयन ग्रहण करने के पश्चात ये H प्लस आयन को क्या करता है बेटा, डोनेट करता है। इसलिए इसको हमने किस में रखा हुआ है, वीक एसिड में रखा हुआ है। तो हिंदी वाले अगर तुम लोग लिखना चाहो तो तुम लोग भी लिख लो बेटा, है ना, तुम लोग भी कंफ्यूज ना होना। तो तुम लोग बेटा क्या लिखोगे, लिख लीजिएगा ऑर्थोबोरिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि यह आसानी से H प्लस आयन त्याग नहीं सकता, लेकिन जल से क्रिया करने के पश्चात पहले OH माइनस आयन को ग्रहण करता है तथा अंत में H प्लस आयन त्याग देता है, इसलिए इसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। देखो ये पहले क्या करेगा, ये OH माइनस आयन को गेन करेगा, जल से रिएक्शन करवाओगे तो बिफोर इट्स गेन द OH माइनस आयन एंड आफ्टर दैट इट्स डोनेट द H प्लस आयन, फिर बाद में H प्लस आयन डोनेट करेगा, इसलिए हम लोग इसको उसमें किसमें रखा हुआ बेटा, दुर्बल एसिड में रखा हुआ है हमने। तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि इसको हमने वीक एसिड में क्यों रखा हुआ है। क्लियर है बात, चलिएगा नेक्स्ट आगे चलते हैं अपने। आगे बात करते हैं बेटा जी, ये फॉर्मेशन मेथड तुम लोगों ने डिस्कस कर लिया, कुछ बात जो इंपॉर्टेंट थी वो भी बात मैंने आप लोगों को बता दी। एक बात और याद रखना बेटा जी, क्या याद रखना है, यदि ऑर्थोबोरिक एसिड को अपने हीट करें, है ना, हाँ, जब ऑर्थोबोरिक अम्ल को क्या किया जाता है, जब ऑर्थोबोरिक अम्ल को गर्म किया जाता है तो पहले क्या बनता है, पहले बनता है मेटाबोरिक एसिड। क्या बनता है बेटा, मेटाबोरिक अम्ल बनता है तथा पुनः गर्म करने पर बोरोन एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। देखो क्वेश्चन ये बनता है आपका कि क्या होता है जब ऑर्थोबोरिक अम्ल को गर्म किया जाता है, या व्हाट हैपन व्हेन वी हीटेड द ऑर्थोबोरिक एसिड, क्या होगा यदि ऑर्थोबोरिक अम्ल को गर्म करें। तो देखो ये होगा, गर्म करोगे तो पहले तुम्हें क्या मिलेगा,
पहले आपको मिलेगा मेटाबोरिक एसिड। क्या मिलेगा बेटा? मेटाबोरिक एसिड। और उस मेटाबोरिक एसिड को अगेन वापिस हीट करोगे और वापिस हीट करने पर तुम लोगों को क्या मिल जाएगा बेटा जी? बोरॉन एनहाइड्राइड मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अगर बताना है तो मैं सीधा लिखूंगा बेटा जी इंग्लिश वालों, है ना, कि आपके पास अगर ऑर्थोबोरिक एसिड है, क्या है, इसको अगर अपन हीट करेंगे तो पहले तुम्हें क्या मिलेगा बेटा? मेटाबोरिक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा? अगेन इसको हम लोग फिर गर्म कर देते हैं, हीट कर देते हैं, देन आफ्टर इट्स कन्वर्ट इन टू द बोरॉन एनहाइड्राइड। ये आपका सामने पड़ा है H3BO3। क्लियर है बात? ये ऑर्थोबोरिक एसिड, इसको अगर अपने गर्म करें बेटा तो जब गर्म करोगे तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। कितने एच है बेटा? 3H में से 2H चला गया और ऑक्सीजन टोटल 3 है, 3 में से 1 आ गया। तो एक वाटर मॉलिक्यूल जो है गर्म करने पर ये वो वेपर के फॉर्म में, है ना, जल वाष्प के रूप में, वाटर वेपर के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। अब कितने एच बच गए? अब इसके पास में बच गए बेटा जी 1H, बी बचा हुआ है और ओ कितने बचे हुए? 2। ये बन गए HBO2। इस HBO2 को हम क्या कहते हैं? मेटाबोरिक एसिड। दिस इज अ मेटाबोरिक एसिड। कल को प्रश्न पूछा जा सकता है ऑर्थोबोरिक अम्ल का फॉर्मूला लिखो, ये रहा। मेटाबोरिक एसिड का फॉर्मूला लिखो, ये रहा। HBO2 इज द मेटाबोरिक एसिड। अच्छा अब क्या करो? अब क्या करो? मैं इधर लिख लेता हूं, इसको साफ कर देता हूं। अब इस मेटाबोरिक एसिड को लिया, ये लो, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैंने इसके 2 मोल लेकर के आ गया। इसको फिर से गर्म कर दो, मेटाबोरिक एसिड को फिर से गर्म किया मैंने, HBO2 को फिर से गर्म किया। बताओ H कितने हैं? हाँ, H आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं 2। ये लो फिर से H चला गया 2। ऑक्सीजन टोटल कितने हैं? 2, 2, 4। देखो 4 मल्टीपल होता ना, 4 में से 1 ऑक्सीजन चला गया, फिर से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। बताओ बचा कौन? बचा अपने पास में बी, और बचे ऑक्सीजन कितने हैं? 4 थे, 1 चला गया, बचे 3। ये बन गया B2O3, और B2O3 को हम क्या कहते हैं? बोरॉन एनहाइड्राइड, या बोरॉन ट्राइऑक्साइड भी कह सकते हो, डाई बोरॉन ट्राइऑक्साइड भी कह सकते हो आप इसको। ये लो, क्या नाम इसका? डाई बोरॉन ट्राइऑक्साइड या बोरॉन एनहाइड्राइड भी आप लोग इसको कह सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको ये पता चल गया होगा कि ऑर्थोबोरिक एसिड को गर्म करने पर होता क्या। प्रश्न ये बनेगा सिंपल, क्या होता है जब ऑर्थोबोरिक अम्ल को गर्म करते हैं? तो ये होता है कि जब ऑर्थोबोरिक अम्ल को हम लोग गर्म करते हैं तो गर्म करने पर पहले मेटाबोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। दिस इज द मेटाबोरिक एसिड। अगेन वी हीटेड एट हाई टेंपरेचर, अगेन इसको हम लोगों ने हाई टेंपरेचर पे गर्म कर दिया, है ना, देन वाटर मॉलिक्यूल आल्सो रिमूव, फिर से वापस वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, देन द मेटाबोरिक एसिड इज कन्वर्टेड टू द बोरॉन ऑक्साइड या डाइबोरॉन ट्राइऑक्साइड या बोरॉन एनहाइड्राइड में क्या हो जाता है बेटा? ये कन्वर्ट हो जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको यह पता चल चुका होगा कि ऑर्थोबोरिक अम्ल क्या होता है। कोई डाउट यहां तक? मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिएगा नेक्स्ट आगे चलते हैं अपने। अच्छा इसकी स्ट्रक्चर की अपने बात करें, है ना, इसकी अपने स्ट्रक्चर की अपने बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर बेटा जी आप लोगों को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनानी, सिंपल सी स्ट्रक्चर बेटा जी। एक मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर अगर बनाऊं तो तुम्हें पता है ऑर्थोबोरिक अम्ल की स्ट्रक्चर H3BO3, ये फॉर्मूला है ना, जिसके अंदर जो बी है बेटा बोरॉन, वो जुड़ा होगा कितने ऑक्सीजन के साथ? 3 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा, ठीक है ना, इस प्रकार से। और प्रत्येक ऑक्सीजन के साथ में कितने एच जुड़े हुए हैं? हाँ, प्रत्येक ऑक्सीजन के साथ में जोड़ दो बेटा कितने ऑक्सीजन, ये लो, सॉरी, प्रत्येक ऑक्सीजन के साथ में एक एक हाइड्रोजन जोड़, ऐसे जोड़ दिया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब क्या होता है कि इसके जैसा मॉलिक्यूल और पास में आएगा ना, इसके जैसा मॉलिक्यूल और पास में आएगा तो ये बेटा जी एच बॉन्ड के साथ जुड़ जाते हैं ये वाले, ठीक है ना, एच बॉन्ड ये भी बनाएगा, एच बॉन्ड ये भी बना सकता है, एच बॉन्ड ये भी बना सकता है, ऐसे ये एच बॉन्ड बनाते रहते हैं ये वाले, ठीक है। तो अच्छा एच बॉन्ड ये भी बना सकता है इस प्रकार से, आगे वाले के साथ ये भी बना सकता है। तो ये पूरे स्ट्रक्चर आप लोगों को बताने की आवश्यकता है नहीं, तो पूरी बड़ी स्ट्रक्चर मत बनाना, बस आप लोग इतनी स्ट्रक्चर इसकी आप लोग ड्रॉ करके ला सकते हो, ठीक है। और अगर आप लोगों को बनवाएं
स्ट्रक्चर अगर आप लोगों को मैं इसकी बताऊं बेटा जी, है ना, तो ये लीजिए स्ट्रक्चर इसकी बना करके बताते हैं आपको। ये लो, है ना, यही तो मजे है डिजिटल बोर्ड के कि कुछ भी देखो। देखो सिंगल एटम की स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी होगी इस प्रकार से, ठीक है, सिंगल एटम की। और जब ये सिंगल मॉलिक्यूल की सॉरी, और जब कई सारे मॉलिक्यूल आपस में आ जाते हैं तो कई सारे मॉलिक्यूल आपस में आकर के इस प्रकार से आपस में आगे जुड़ते रहते हैं ऐसे, ठीक है ना, आगे जुड़ते रहेंगे ऐसे। ये स्ट्रक्चर इतनी नहीं है, आगे चलती रहती है, चलती रहती है आगे, तो काफी एक क्या कहते हैं, कई मॉलिक्यूल आपस में जो है आपस में जुड़ जाते हैं और एच बॉन्डर से आपस में जुड़ जाते हैं। देखो ये एच बॉन्ड बनेगा बीच में, ठीक है। तो ये अपने को पूरी स्ट्रक्चर जो है अपने को याद होती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप लोग सिंगल मॉलिक्यूल की जैसे ये स्ट्रक्चर है हम लोगों ने जो आप लोग याद कर सकते हो। तो कल को अगर स्ट्रक्चर पूछे जाए आप लोगों से तो बेटा जी आप लोग सिंगल की भी बना सकते हो, सिंगल एटम की, और इस प्रकार से ऑर्थोबोरिक एसिड की जो स्ट्रक्चर तुम लोगों के सामने दिखाई दे रही है इस प्रकार से भी आप लोग ड्रॉ कर सकते हो, ठीक। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को यह पता चल चुका होगा कि ऑर्थोबोरिक अम्ल की जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप की होती है, किस प्रकार से स्ट्रक्चर आपस में एच बॉन्ड किस प्रकार से आपस में बनाते हैं ये। तो मुझे बताओ, यहां तो कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मुझे लगता है, ठीक है बेटा जी। और जो नए जुड़े हैं सभी का स्वागत है बेटा जी इस प्लेटफॉर्म पर, और जो जुड़े हैं नए तो गुजारिश है कि टाइम से आ जाए करो आप लोग। चलिएगा नेक्स्ट आगे चलते हैं अपने। ऑर्थोबोरिक एसिड का हमने फॉर्मेशन भी पढ़ लिया और मैंने ये भी आप लोगों को बता दिया कि ऑर्थोबोरिक एसिड की स्ट्रक्चर कैसी होती है, और आप लोगों ने ये भी डिस्कस कर लिया कि ऑर्थोबोरिक एसिड को गर्म करेंगे तो क्या होगा, मेटाबोरिक में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये तमाम अच्छा, ऑर्थोबोरिक अम्ल एक वीक एसिड होता है, इसका भी कारण आप लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो मेरे ख्याल से ऑर्थोबोरिक एसिड से जो चीजें थी वो चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली, आगे बात समझ में। अच्छा देखो, एक बार क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में, पता नहीं कौन से कंपटीशन एग्जाम में, इस प्रकार से क्वेश्चन आया था आपके सामने, जैसे ये आ गया, ये लो, प्रश्न आया था विच इज डिफरेंट फॉलोइंग दीज मॉलिक्यूल्स, इन चारों में से सबसे अलग कौन है, है ना, इस टाइप का प्रश्न बना था। देखो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ओएसटीन है, उसमें भी ओएसटीन है, सीरियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज द ऑर्थोबोरिक जिसको हम लोग बोरोन हाइड्रोक्साइड नहीं कहेंगे, दिस इज द ऑर्थोबोरिक एसिड, दिस इज द ल्यूटियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे बेस है, ये भी बेस है, ये भी बेस है, ये भी बेस, ये भी बेस है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये इसका आंसर सही होगा हमारा, ये हमारा क्या एसिड है, बाकी सारे सारे क्या है बेटा बेस, है ना। प्रश्न ऐसे आता आ सकता है कि निम्न में से एसिड कौन है बताओ, है ना, तो आप लोगों को पता है ये बी ओ एच थ्री जो लिखा हुआ है ये दिस इज द ऑर्थोबोरिक एसिड, ये ऑर्थोबोरिक एसिड है बेटा, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं जो हम लोगों ने डिस्कस करने भी हैं, आगे जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों के इसके क्वेश्चन भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने अभी तक बोरेक्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया, एंड बोरेक्स के बाद में हम लोगों ने ये ऑर्थोबोरिक अम्ल भी पढ़ लिया, है ना। आइए आगे चलते हैं, अब अपने पढ़ते हैं बेटा डाइबोरॉन, जी हाँ डाइबोरॉन, क्या होता है ये डाइबोरॉन, किसे कहते हैं डाइबोरॉन, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये तमाम चीजें आज हम लोगों की रहेंगी। तो आइएगा डाइबोरॉन का पहले मैं आप लोगों को फॉर्मूला बता देता हूं बेटा, इसका फॉर्मूला ऐसे नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है ना, ये इसका फॉर्मूला का, ये दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं और इसका फॉर्मूला रहता है B2H6, ठीक है ना, B2H6। अच्छा इसको मैं आधा लिख दूं, आधा करके, तो ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, B2H6 को आधा कर दिया मैं तो इसके बराबर हो जाता है, ये तमाम बातें आगे रहेंगी अपनी। तो याद रखना बेटा जी, जो ऑर्थोबोरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, B2H6, दिस इज द डाइबोरॉन, ठीक है, हाँ B2H6। कंडीशंस वही है, पहले हम लोग करेंगे इसका फॉर्मेशन, और फॉर्मेशन करने के बाद में मेरे प्यारे साथियों करेंगे इसकी स्ट्रक्चर्स के बारे में बातें, कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बातें डिस्कस करेंगे अपने। तो आइएगा शुरुआत करते हैं, इसका पहले फॉर्मेशन पढ़ते हैं अपने, है ना, फॉर्मेशन कैसे होता है इसका, फॉर्मेशन ऑफ डाइबोरॉन या B2H6। देखो B2H6 बनाने के दो तीन मेथड है बेटा, है ना, नो डाउट आपके बुक में भी दे रखे होंगे दो तीन मेथड शायद तक जितने भी हैं।
तो दो तीन मेथड इसके बनाने के हैं, आप लोग आसानी से इसको आप लोग बना सकते हो। अच्छा, बोरोन डाई बोरोन बनाना है ना अपने को, हा? तो बेटा जी सबसे पहले नंबर एक बनाएंगे अपने किससे, फ्रॉम BF3। हाँ, बोरोन ट्राइफ्लोराइड इससे बनाएंगे अपने, फ्रॉम BF3। कैसे बनाएंगे देखो, BF3 की रिएक्ट करवा देना आप लोग, किसके साथ रिएक्शन करवाओगे आप इसकी, रिएक्ट विद NaH, सोडियम हाइड्राइड। इसका नाम है बेटा सोडियम हाइड्राइड, क्या नाम है इसका, सोडियम हाइड्राइड। तो BF3 की रिएक्शन करवाएंगे अपने बेटा जी सोडियम हाइड्राइड के साथ, है ना, तो हम लोग आसानी से बना पाएंगे। जरा देखो जरा सामने, ये लीजिए समीकरण, आप लोग लिख सकते हो BF3 लेकर के आ गया मैं, इसकी रिएक्शन करवानी है मेरे रसगुल्ले सोडियम हाइड्राइड के साथ। ये लीजिए आपने क्या किया, इसके 2 मोल ले लिए, आगे बात समझ में, इसके 6 मोल ले लिए, बताओ मुझे सोडियम कितने बेटा, सोडियम कितने है, सोडियम आपको दिखाई दे रहे हैं 6, ये 6 सोडियम, फ्लोरीन कितने, फ्लोरीन टोटल 6, तो 6 सोडियम 6 फ्लोरीन को लेके चला गया, ये बन गया हमारा सोडियम फ्लोराइड, जैसे सोडियम क्लोराइड होता है वैसे ही बन गया हमारा सोडियम फ्लोराइड। अच्छा बचा कौन, बी कितने बचे बेटा, 2 बचे, बी प्लस 2 बी बचे, एच कितने, एच ये 6 बचे हुए, एच तो ये बन गया B2H6। आगे बात समझ में, लिखना चाहो तो क्या लिखोगे इसमें, पिंक वैसे पिंक से यूज करते हैं, इसका नाम, इसका नाम है बेटा बोरोन ट्राई फ्लोराइड, जिसकी रिएक्शन तुमने करवाई किसके साथ, सोडियम हाइड्राइड के साथ, और तुम लोगों ने ये बना लिया बेटा जी, एक तो क्या बना लिया, सोडियम फ्लोराइड, और आपने ये क्या बना लिया, डाई बोरोन का फॉर्मेशन कर लिया। आगे बात समझ में, तो इसकी अगर थ्योरी लिखना चाहोगे तो थ्योरी क्या लिखोगे आप, व्हेन बोरोन ट्राइफ्लोराइड रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्राइड, जब सोडियम हाइड्राइड के साथ इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो हम लोग डाई बोरोन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को यह समीकरण समझ में आ गई होगी। हाँ, तो पहला मेथड ये आसान मेथड है, इजीली मेथड है, BF3 की रिएक्शन करवा दो आप किसके साथ, सोडियम हाइड्राइड के साथ। अच्छा, सोडियम हाइड्राइड के साथ ही नहीं बल्कि, अच्छा अगला अगला पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो, नंबर सेकंड, फ्रॉम BF3, फिर से BF3 लेके आ गया मैं, बट नाउ इट्स रिएक्ट विद, लेकिन अब इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं मैं किसके साथ, रिएक्ट विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसके साथ रिएक्शन करवा रहा हूं मैं इसकी, दिस इज द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है कि नहीं, हाँ इसके साथ इसकी रिएक्शन करवाओ, करवाओ आ जाओ, ये लीजिए बेटा दिखाई दे रहा है क्या, डार्क ले लेता हूं, ये लो, ये आ गया आपका BF3, क्लियर है बात, इसकी रिएक्शन करवा रहे हो आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ इसकी रिएक्शन करवा रहे हो आप, तो करवाते हैं इसकी रिएक्शन आप, कितने मॉलिक्यूल लोगे आप, चलो पहले मैं बढ़ा देता हूं समीकरण को, फिर बैलेंस करेंगे अपने, एक तो बनेगा बेटा क्या बनेगा, B2H6, ठीक है, लिथियम फ्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, और प्लस में बेटा जी लिथियम ट्राइफ्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। अब इस रिएक्शन को करना है अपने बैलेंस, बैलेंस करके देखते हैं अपने कितने एफ चाहिए अपने को, 2, है ना, तो रिएक्शन करो बैलेंस आप, चार लेकर के आ गया, 12 हो गए, ठीक है, और क्या होगा यहां पे जोड़ देंगे अपने 4 फ्लोराइड आ गया बेटा जी, यहां पे जोड़ दिया हमने, ये लो 4, तो ज्यादा हो जाएगा 2, रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं, रिएक्शन कैसे बैलेंस होगी देखते हैं एक बार बेटा, तीन
तीन मॉलिक्यूल लेने ना, तीन मॉलिक्यूल ले लो इसके आप, तीन मॉलिक्यूल, ये तीन मॉलिक्यूल ले लो इसके आप, फिर हो जाएगा हमारा चार आ गया, लिथियम हमारे तीन है और एल्यूमिनियम भी हमारे तीन है, है ना, ये लो, हाँ ये लो तीन ले रखें, ठीक है आ जाओ। तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड की रिएक्शन करवा दो आप लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, होगी ना रिएक्शन बैलेंस अब आप लोगों के पास में, कोई कंफ्यूजन है क्या? मुझे एक बार चेक करनी पड़ेगी, चेक देखते हैं बेटा जी, ठीक ठीक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये देखो ये गलती होगी ना, ये है हमारा बोरॉन ट्राइफ्लोराइड नहीं है, ये फोर लगाओ यहाँ पे, फोर क्रेशन कर लेना। तो सिंपल सी बात है, देखो ये बोरॉन सोडियम बोरोहाइड्रेट नहीं है, सोडियम बोरोहाइड्रेट में अलग होगा, वो भी पढ़ता है, पढ़ेंगे अपने अभी। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की रिएक्शन करवा दो आप बेटा जी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, है ना। तो इससे भी अपने क्या कर सकते हैं, ये डाई बोरॉन का फॉर्मेशन कर लेंगे और साइड प्रोडक्ट ये सारे के सारे जो है ये वाले हमारे साइड प्रोडक्ट रहेंगे, हमारे ये हमारे साइड प्रोडक्ट रहेंगे हमारे। अच्छा इसके अलावा अगर आप लोग और भी पढ़ना चाहो तो तीसरा मेथड और भी है हमारा, फॉरम सोडियम बोरोहाइड्रेट, देखो सोडियम बोरोहाइड्रेट इसमें होगा बी एच फोर, उसमें ए एल एच सॉरी थ्री, इसमें थ्री करो थ्री, इसमें थ्री होगा ठीक है ना, हाँ उसमें फोर इसमें थ्री, कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। तो ये है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, ये है सोडियम बोरोहाइड्रेट, इससे भी आप लोग बना सकते हो। अच्छा कैसे बनाओगे, ये लो क्या करोगे इसकी, ये लो सोडियम बोरोहाइड्रेट, इसकी रिएक्शन करवा दो आप आयोडीन के साथ, ये लो आयोडीन, इसके दो मोल ले लो, बिल्कुल आसान है ये तो। देखो सोडियम कितने, दो सोडियम है दो आई है, तो मेरे ख्याल से दो सोडियम दो आई को लेकर चला गया, ये बन गया सोडियम आयोडाइड। बी कितने बचे हमारे, बी बचे हमारे दो और एच बचे हैं छह, तो प्लस में मेरे पैर रसगुल्लो, ये बन गया हमारा बी टू एच सिक्स डाइबोरो, है ना। इनकी थ्योरीज बेटा जी आप लोगों को लिखनी है साथ में तो लिख सकते हो, इसका नाम, अच्छा इसका नाम लिख देता हूं मैं, इसका नाम बेटा सोडियम बोरो हाइड्रेट, इसका है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, ठीक है ना, ये हाइड्राइड भी कह सकते हैं इसको अपने, और ये बोरोन फ्लोराइड है ही। तो सोडियम बोरोहाइड्रेट की रिएक्शन करवा दो तुम लोग बेटा जी आयोडीन के साथ में, तो एक तो बन गया सोडियम आयोडाइड, और हम लोगों का टारगेट जो था वो बनाना क्या था, टारगेट था हमारे बी टू एच सिक्स के निर्माण करने का। तो आई थिंक फॉर्मेशन मेथड तुम लोगों ने डिस्कस कर लिया होगा, ये चार तीन फॉर्मेशन मेथड आप लोगों के दिए हुए हैं, तो तीनों को हमने डिस्कस कर लिया कि किस प्रकार से B2H6 का फॉर्मेशन कर सकते हैं अपने, ठीक है ना, आ जाओ। अच्छा इसकी अपने बात करें बेटा, स्ट्रक्चर की बात करें अपने, बस तीन ही मेथड बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ B2H6 बनाने के मेथड के बाद अपने स्ट्रक्चर की बात करते हैं अपने, यूं तो अपने B2H6 का फॉर्मेशन और भी कई मेथड से कर सकते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में जितने दिए हुए बेटा जी अपने उतने ही डिस्कस करेंगे, एक्स्ट्रा मेथड अपने डिस्कस नहीं करें, ठीक है। तो आइएगा शुरुआत करते हैं अपने इसकी स्ट्रक्चर के बारे में कि B2H6 की स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसकी स्ट्रक्चर भी आप लोगों से कंसीडर की जाती है जनरली, आप लोगों से बेटा जी ऑर्थोबोरिक अम्ल की स्ट्रक्चर पूछेगा, और ऑर्थोबोरिक के अलावा आप लोगों से स्ट्रक्चर कंसीडर की जा सकती है डाइबोरोन की भी, आ रही बात समझ में। तो डाइबोरोन की स्ट्रक्चर देखो कैसी होती है, ये बोरोन के साथ में बेटा जी कितने अच्छे जुड़े हुए हैं, बोरोन के साथ में जुड़े हुए बेटा जी 6H, ये लो कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया मैंने, ये लो ये BH3 ये रहा, BH3 ये रहा, दोनों अकेले अकेले नहीं होते, कभी ध्यान रखना ये जो मॉलिक्यूल जब BH3 जब पास पास आते हैं तो ये डाइमर फॉर्म में जुड़ जाते हैं, डाइमर फॉर्म का मतलब बेटा द्विलक, हाँ द्विलक रूप में आपस में जुड़ जाते हैं, ये कैसे जुड़ते हैं, इस प्रकार से जुड़ जाएंगे, ठीक है ना, ये इसके साथ में जुड़ जाएगा बेटा पार्शियल फॉर्म में, ये एच बॉन्ड नहीं बना रहा मैं, ध्यान रखना ये पार्शियल फॉर्म में इसके साथ कनेक्ट हो जाता है इस प्रकार से,
अट्रैक्शन उसका इसके साथ में रहेगा, इसके साथ में रहेगा। बात आ रही समझ में? तो डाइमर फॉर्म में जुड़ जाते हैं ये। इस स्ट्रक्चर को अपने बेटा जी इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे ये हमारा बोरॉन, इसके साथ जुड़ा हुआ है बेटा ये हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये एक दूसरा बोरॉन जिसके साथ जुड़ा हुआ है एच, और एक जुड़ा हुआ इधर वाला एच, है ना। अच्छा, अब जो बीच वाला एच होगा ना बेटा, वो बनाना बॉन्ड के साथ जुड़ता है। बनाना बॉन्ड कैसे? ऐसे, ये लीजिए, इस प्रकार से। ये जो बीच वाला एच है ना, वो पार्शियल फॉर्म में इसके साथ भी कनेक्टेड रहता है, इसके साथ भी कनेक्टेड रहता है। इसको बोलते हैं हम लोग बनाना बॉन्ड। तो B2H6 की अगर स्ट्रक्चर आप लोगों से पूछे जाए, केलाबंद बोलते हैं इसको अपने, है ना, हिंदी में अपने, ये केलाबंद बन गया हमारे बीच में, देखो, है ना। तो B2H6 की स्ट्रक्चर आप लोगों से पूछी जाए तो आप लोग स्ट्रक्चर ये भी ड्रॉ कर सकते हो, ये भी ड्रॉ स्ट्रक्चर कर सकते हो कि B2H6 में BH3 के दो मॉलिक्यूल आपस में इस प्रकार से बॉन्डेड रहते हैं, डाइमर फॉर्म में पाया जाता है। और आप लोग इसके अगर बनाना स्ट्रक्चर के तौर पर अगर आप लोग इसकी स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो ये भी हम लोगों की B2H6 की क्या है बेटा, स्ट्रक्चर है हमारी। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने B2H6 की स्ट्रक्चर तुम लोगों ने देख ली कि किस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है और कैसे इसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया जाएगा। आगे बात समझ में? तो कहने की मेन बात यह है कि क्वेश्चन अगर आप लोगों से कंसिडर किया जाएगा तो बेटा यहां से पूछा जाता है क्वेश्चन कि B2H6 बनाने के मेथड बताओ आप, हाउ कैन यू प्रिपेयर B2H6 फ्रॉम BF3। BF3 से आप B2H6 का निर्माण कैसे करोगे? तो मेरे ख्याल से आप लोग देखो दो प्रकार से कर सकते हो। BF3 की रिएक्शन तुम लोगों ने सोडियम हाइड्राइड के साथ करवाई तभी हम इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। और मेरे प्यारे साथियों, BF3 की रिएक्शन तुम लोगों ने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करवाई तब भी हम लोग बेटा जी B2H6 का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। आगे बात समझ में? तो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, है ना, कल की या परसों की वीडियो के अंदर कि बोरॉन के हम लोगों को कंपाउंड डिस्कस करने हैं। तो उन कंपाउंड्स में बेटा जी हम लोगों ने बोरेक्स को पढ़ा, ऑर्थोबोरिक को हम लोगों ने डिस्कस किया, और ऑर्थोबोरिक के बाद में हम लोगों ने ये डाई बोरॉन के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने ये तीन कंपाउंड दिए थे हमारे बोरॉन के, तो तीनों के तीनों कंपाउंड हमारे क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो गए, है ना। और इसी के साथ में ये जो हमारा बोरॉन के कंपाउंड जो है उसके साथ में ही हमारा लगभग ये ग्रुप नंबर जो 13 है, वो ग्रुप नंबर 13 भी हमारा क्या होता है, फिनिश होता है। आई बात समझ में? अब ग्रुप 13 के बाद में अपने पढ़ेंगे बेटा ग्रुप नंबर 14, और ग्रुप नंबर 14 भी इसी प्रकार से डिस्कस करेंगे जिस प्रकार से आप लोगों ने ग्रुप नंबर 13 को पढ़ा है। और ग्रुप नंबर 13 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा ग्रुप नंबर 14, क्योंकि क्वेश्चन का टारगेट जो एग्जामिनर है उसका जो टारगेट रहेगा वो अगर यहां से प्रश्न पूछेगा तो बेटा जी यहाँ से चिल्लर पिल्लर वाले क्वेश्चन बनते हैं, डाइबोरॉन का फॉर्मूला बताओ, ऑर्थोबोरिक अम्ल की स्ट्रक्चर बताओ, ऑर्थोबोरिक एसिड एक वीक एसिड है, दुर्बल अम्ल है क्यों, बोरेक्स का फॉर्मूला बताओ, तो ये सिंपल वाले क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे ग्रुप नंबर 13 में। लेकिन ग्रुप नंबर 14 जो है वो ग्रुप नंबर 13 के कंपेयर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, है ना। क्वेश्चन वहां पे आप लोगों के ढेरों क्वेश्चन बनेंगे जिसमें हम लोग कई एलिमेंट्स के कंपाउंड्स भी डिस्कस करेंगे अपने वहां पे, कार्बन के जनरली, क्योंकि ग्रुप नंबर 14 जो है वो कार्बन की फैमिली है, तो कार्बन के जितने भी कंपाउंड है वो डिस्कस करेंगे। कार्बन के बाद में जो नीचे जो सिलिकॉन आता है उनके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। तो याद रखना बेटा जी, ये अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे, अपने ग्रुप नंबर 14 को अपने अगली क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस बात को ये ध्यान रखना कि ग्रुप नंबर 13 से ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप नंबर 14 है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ग्रुप नंबर 13 में से क्वेश्चंस पुटअप नहीं होंगे, पुटअप होंगे बेटा, लेकिन ग्रुप नंबर 14 को अच्छी तरह से तुम लोगों ने पढ़ना है। तो आप लोग अगली वीडियो के अंदर जरूर आना आप लोग, है ना, बल्कि आप लोग शेयर करना ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ग्रुप नंबर 13 के बाद में जो ग्रुप नंबर 14 है वो किस प्रकार से हम लोगों ने क्लियर करना है। ठीक है बेटा जी, तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो के अंदर। और ग्रुप नंबर 13 में फिर भी अगर कुछ बातें रह गई हैं तो वो अपने अगली वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। कुछ एक दो क्वेश्चन अगर बनता है तो ग्रुप नंबर 13 का वो कंप्लीट करने के साथ में अगली क्लास में अपने ग्रुप नंबर 14 को भी शुरू कर देंगे। ठीक है बेटा, तो जो भी और कोई डाउट है, कोई और भी कंफ्यूजन है तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप लोग। और इसी के साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप लोगों को बेटा जी जैसे भी होगा वो आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और नो डाउट मान करके चलो आपके हो सकता है एग्जाम जो होंगे वो 12th वालों के साथ साथ ही हो जाएं,
या फिर कैसे करके आप लोगों के सामने, अभी तक कोई ना हमारे पास कोई गाइडलाइन आई है, है ना। तो जैसे भी आएगी वो आप लोगों को बता दी जाएगी कि कब आपके एग्जाम शुरू होंगे या किस प्रकार से आपके एग्जाम लिए जाएंगे, है ना। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आप लोगों के अलग अलग जिला में अलग अलग डेट पर आप लोगों के एग्जामिनेशन हो जाएंगे, तो वो बात की बात है, वो कब आएगा शेड्यूल हमारा, वो करते रहेंगे अपने। तो याद रखना बेटा जी, अगली वीडियो के अंतर्गत आप लोगों को आना मत भूलना, है ना, आना है, ताकि आप लोगों को ग्रुप नंबर 14 भी अपने अगली क्लास में स्टार्ट करते हैं। तो मिलते हैं अपने कल की क्लास के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।